हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिविजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 216, जिसमें हम देखेंगे अगले विराम चिन्ह। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, हमारा अगला विराम चिन्ह है हंस पाद। ठीक है, हंस पाद चिन्ह, ठीक है, ध्यान दें, हंस पाद चिन्ह कौन सा है, इसको हम दोस्तों त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, हंस पाद चिन्ह, ठीक, ध्यान दें, त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक है, मैं लिखती जा रही हूं, चाहे तो आप देख लें, नहीं तो सुन करके लिख सकते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह। ठीक है, चिन्ह, और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, विस्मरण चिन्ह। ठीक है, विस्मरण चिन्ह, ध्यान देंगे, और इंग्लिश में इसे ओब्लिवियन साइन के नाम से भी जानते हैं, ओब्लिवियन, ओब्लिवियन, ठीक है, ओब्लिवियन साइन, ठीक है, ध्यान देंगे, ओब्लिवियन साइन के नाम से जानते हैं हम इसे। अब ध्यान दे दोस्तों, त्रुटि विराम, मान लीजिए जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं या किसी अनुच्छेद को लिखते हैं, तो लिखते समय जब हमसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है, गलती मींस जब हम किसी शब्द को छोड़ देते हैं किसी अनुच्छेद में या किसी वाक्य में, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ऊपर की तरफ क्या करते हैं, दो शब्दों के बीच में जहां पर वह शब्द छूटा है, तो उसके बीच में हम कैसा, ये साइड में देखें, यहाँ पर ये चिन्ह लगाते हैं, कौन सा, ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओब्लिवियन साइन यानी हंसपाद चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह और विस्मरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद है दोस्तों अगला चिन्ह कौन सा है, गौर करें, टीका सूचक चिन्ह। ठीक है, टीका सूचक चिन्ह, ठीक है, अब ये कौन सा होता है, तो गौर करेंगे, टीका सूचक चिन्ह, इसका सिंबल देखें ध्यान से, ये कुछ आपका एस्ट्रिक्ट की तरह होता है ये। ठीक है, जैसे स्टार, आप स्टार बना देते हैं ये, ठीक है, तो ये कुछ स्टार नहीं होता दोस्तों, स्टार जैसा होता है हल्का सा, ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पूरा ऐसे, ठीक है, देखना उसमें होगा आपके कीबोर्ड में देखना एक बार, ठीक है, मिल जाएगा, उसे बोलते हैं हम टीका सूचक चिन्ह। ठीक है, ये इस तरह से नहीं है, ये तो गलत बता दिया मैंने, ठीक, ध्यान दें, कुछ ये ऐसे होता है, ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक है, तो देख लेंगे आप। इसके अलावा एक और चिन्ह है प्लस टू, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टीका सूचक चिन्ह में। अब ध्यान दें, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी शब्द के बारे में हम और अधिक बताने के लिए हम किसका, टीका सूचक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपकी किताबों के नीचे जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, और उनके ऊपर कॉर्नर में शब्द जहाँ शुरू होता है वहां पर, ठीक है, पहले वर्ण के ऊपर की तरफ ये चिन्ह लगा दिया जाता है, और फिर आगे उसके उस शब्द का अर्थ बताया जाता है। ठीक है, तो यानी कि किसी शब्द के बारे में अधिक बताने के लिए हम टीका सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम प्लस टू लगा देते हैं, ठीक है, विशेष बात को बताने के लिए, तो ध्यान रखेंगे। अगला चिन्ह है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, अगला चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह, कौन सा, तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता, ठीक है, अब तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, ध्यान दें, ये होता है हमारा इक्वल का साइन, कौन सा, इक्वल वाला सिंबल, ठीक है, इक्वेलिटी बताने वाला, कौन सा, ये होता है तुल्यता सूचक चिन्ह। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जब हम किन्हीं दो बातों में, किन्हीं दो वाक्यों में, किन्हीं दो व्यक्तियों में समानता बताते हैं या फिर उनकी तुलना करते हैं, तब हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मैथ के टर्म में ज्यादातर, ठीक है, तो इसे हम तुल्यता सूचक शब्द कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और है, ध्यान से देखें, गौर करेंगे दोस्तों, अगला हमारा चिन्ह है विराम चिन्ह, कौन सा, ध्यान दें, समाप्ति सूचक चिन्ह, कौन सा, समाप्ति सूचक
चिन्ह शब्द से ही पता चल रहा है हमें, समाप्ति हो रही है किसी की। जैसे आपका पूरा की पूरा पाठ है, जब वह खत्म होता है तो पाठ के अंत में आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी छोटी सी, और एक छोटा सा बिंदु होगा और फिर ये होगी। तो ये जो चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है, पाठ के अंत में आपको देखने को मिलेगा, और इसे हम कहते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान रखेंगे, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक, इसके बाद है दोस्तों, ध्यान देंगे, योग चिन्ह। कौन सा? योग चिन्ह, ठीक है, योग चिन्ह अगला चिन्ह है ये, ध्यान दें, ठीक है, योग चिन्ह। अब ये क्या होता है? ये प्लस का सिंबल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन, और हम इसको सम भी बोलते हैं, सम का सिंबल, ठीक है। तो ध्यान रखें, योग चिन्ह जब दो अलग अलग सार्थक शब्दों को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, ध्यान से सुने, जब दो अलग अलग सार्थक शब्दों को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है तो हम योग चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुस्तक धन आल्य, पुस्तक धन आल्य से हमने क्या बनाया? पुस्तकाल्य, ठीक है, एक सार्थक, ये दोनों सार्थक शब्द थे, पुस्तक धन आल्य, दोनों को जोड़कर हमने बना दिया पुस्तकाल्य, एक सार्थक शब्द, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अब है हमारा अगला चिन्ह, गौर करें दोस्तों, अगला चिन्ह है हमारा रेखिका चिन्ह। कौन सा? रेखिका चिन्ह। अब ये क्या होता है? रेखिका चिन्ह किसे कहते हैं? ठीक है, आपने हो सकता है पहली बार सुना हो इसे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं, ठीक है, आप ध्यान दें, अंडरलाइंड, अंडरलाइन किया जाए, अंडरलाइंड, ठीक है, अंडरलाइन किया जाए, तो अंडरलाइन, जब किसी वाक्य को या किसी शब्द को के नीचे आप एक रेखिका खींचते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंडरलाइन, यानी शब्दों पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए हम अंडरलाइन सिंबल यानी कि रेखिका चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थे विराम चिन्ह विषय के संबंध में सभी महत्वपूर्ण चिन्ह। एक दो अगर कहीं से छूट गया हो, अगर आपको कहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वैसे मैंने ज्यादातर सभी सिंबल्स को लेने की कोशिश की है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम करते हैं अपने विषय के संबंध में प्रश्न, तो गौर करेंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है सुख दुख, विराम चिन्ह हमारा विषय है, हम देखते हैं प्रश्न, प्रश्न है सुख दुख, देखो चिन्ह कौन सा लगाए सुख और दुख के बीच में, ठीक है, तो कौन सा लगाए? इनके बीच में लगने वाला ये चिन्ह, माइनस जैसा चिन्ह, ठीक है, यानी हाइफन, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है, योजक चिन्ह कहते हैं। मैंने बताया था कि दो विपरीत शब्दों के बीच संबंध को बताने के लिए, ठीक है, जब हम दो अलग अलग, दो विपरीत या एक जैसे संबंधों के बीच, ठीक है, शब्दों का संबंध बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं? उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं, और ये योजक चिन्ह कभी भी निरर्थक नहीं होते, हमेशा सार्थक होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। देखें प्रश्न की व्याख्या, सुख दुख के बीच, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह होता है, क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो दोस्तों अल्प विराम चिन्ह है कौन सा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा? अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है, ध्यान देंगे, और ऑप्शन बाकी के देखें और बताएं कि कौन सा है, कौन से चिन्ह है। चलिए हम इन्हें जानने के लिए देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ठीक है। तो अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं, ये थोड़े समय के लिए लगता है और शब्द के बाद में लगता है, कोई स्पेस नहीं होता, इसके लगने के बाद स्पेस होता है, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु अतः इसलिए क्योंकि जैसे जब अव्यय इस्तेमाल होते हैं तो उनके बाद हम इसको लगाते हैं, कोमा को, अल्प विराम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, वाक्यों और शब्दों, ध्यान से सुने, वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटने के लिए हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने, विराम चिन्हों की आवश्यकता दोस्तों हमें कहाँ होती है, जब वाक्यों तथा शब्दों का परस्पर संबंध बताना हो या फिर किसी विशेष विषय प्रसंग को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटना हो, तब हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें आगे व्याख्या पर, जो उच्चारण के समय, ध्यान से सुने, जो उच्चारण के समय प्रयोग करने से उस वाक्य अथवा शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि वाक्य सार्थक है, शुद्ध है, सुस्पष्ट है, प्रभावशाली है, रोचक है। ठीक, ध्यान रखें, उच्चारण के समय प्रयोग करने से जब कोई वाक्य अथवा शब्द, ठीक है, अर्थ सहित स्पष्ट हो जाए तो समझ लीजिए आपने सुव्यवस्थित ढंग से अपने विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। देखते हैं दोस्तों कुछ मुख्य विराम चिन्ह, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पर पहली श्रेणी में विराम है और यहाँ पर चिन्ह है। ठीक है, ध्यान दें, पहली में विराम, जैसे पहला है विराम कौन सा, पूर्ण विराम, इसका सिंबल मैंने बताया था। ठीक है, क्या है, खड़ी पाई जैसा सिंबल है, वाक्य के अंत में लगता है, उत्तर में इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, किसी प्रश्न के जवाब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वाक्य पूर्ति का सूचक चिन्ह है ये। ठीक है, ध्यान रखें, इसके बाद है अल्पविराम, अल्पविराम यानी कि कोमा। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है दोस्तों अर्धविराम यानी कि सेमी कॉलम, सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन सिंबलों को देखते जाएं दोस्तों। ठीक है, ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और ये क्या है, इस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है इसके इस्तेमाल में। ठीक है, पहला वाक्य दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, हाइफन ये क्या है, दो विपरीत, ध्यान से सुने, दो विपरीत शब्दों के बीच संबंध को बताने के लिए है ना इस्तेमाल किया जाता है किसी सार्थक शब्द को। ठीक है, कोई सार्थक शब्द बनता है इस सार्थक शब्द को बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो सिंबल याद रखें क्वेश्चन मार्क का। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह को हमने क्या कहा पढ़ा था दोस्तों, ध्यान हो तो एक्सक्लामेशन पॉइंट, यानी जब हम हर्ष विषाद आश्चर्य विस्मय भय घृणा करुणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर है हमारा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हमने किस किस नाम से जाना था, तो दोस्तों अवतरण चिन्ह, कोटेशन मार्क। ठीक है, और ये कोटेशन मार्क यानी कितने होते हैं, दो होते हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, दूसरा डबल इन्वर्टेड कोमा। हाईलाइट करने के लिए किसी कथन को हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, या फिर किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रखेंगे ये कुछ विराम और उनके चिन्ह हैं। ठीक है, देखो यहाँ इस पुस्तक में कितना कम बताया हुआ है, इसी यही वजह थी कि मैंने आपके सामने सभी विराम चिन्हों का एक अलग से वीडियो बना करके रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रश्न यहीं से बने, ये पुराने पैटर्न है, पहले की चीजें बताई गई हैं पुस्तक में। आजकल क्या है कि चीजें बदल रही हैं, पैटर्न बदल रहा है दोस्तों, तो पुरानी चीजें कम पूछी जा रही हैं, ज्यादा पूछी जा रही हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई, तो इसलिए आपको सारी चीजें बताना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, मनोविकार सूचक शब्दों को या वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में, ध्यान से सुने, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश बोलते हैं हम शब्द को। ठीक है,
वाक्यांश यानी कि शब्दों का ऐसा समूह यानी कि जो एक शब्द में कई शब्दों का अर्थ धारण करता हो, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप इंग्लिश में समझे तो वाक्यांश, ठीक है। अब ध्यान दें इसका उत्तर क्या है, तो ऑप्शन ए विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मय बोधक चिन्ह मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ध्यान देंगे इसकी व्याख्या पर, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। यह चिन्ह आश्चर्य खुशी संबोधन व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द, वाक्य के मध्य में मतलब जब हम कोई वाक्य कहते हैं तो उस वाक्य के बीच में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर हम कौन से विराम चिन्ह का को लगाकर, ठीक है, उस वाक्य को पूरा करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुने, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है, कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर, ध्यान से सुनना, उसके ऊपर, यह शब्द कोट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हंस पद विराम चिन्ह, कौन सा, हंस पद विराम चिन्ह, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, हंस पद विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। इसे हंस पाद पढ़ो या फिर हंस पद विराम चिन्ह पढ़ो या त्रुटि विराम पढ़ो या विस्मरण चिन्ह पढ़ो या फिर ओब्लिवियन साइन पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये सिंबल कौन सा होता है, तो दोस्तों ये देखो व्याख्या में, ठीक है, व्याख्या देखो एक बार, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किसका, हंस पद विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह कैसा है, ये जो मैंने सर्कल किया है इसको आप ध्यान से देखें, चिन्ह इसी के अंदर मौजूद है ये, ठीक है, ये हो गया हंस पद विराम चिन्ह, ठीक है। और ये कहाँ लगता है, ये उस, ध्यान से देखें, उस शब्द या पद के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं, ऊपर यानी कि बीच में, हम थोड़े से गैप शब्दों के बीच में जो जगह होती है उनके कॉर्नर पे लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी विराम चिन्हों के संबंध में दोस्तों, पिछला वीडियो बताना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया, ठीक है। ध्यान रखना आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं बताई जा रही हैं, जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है, वे सभी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक है, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़ें, लगातार पढ़ें, बार बार पढ़ें, ठीक है, जिससे कि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, ठीक। ध्यान रखें एक बार में कभी कोई चीज समझ में नहीं आती व्याकरण है, मजाक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कभी हमने व्याकरण को इतने गहरे ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कभी हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अगर आप देखें तो आपका थ्योरी पार्ट जो होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपका व्याकरण पोर्शन होता है, ठीक है। अगर आप अपना व्याकरण सही कर लें तो सीधे सीधे आपके नंबर सेट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी पढ़े ध्यान से पढ़े और मन से पढ़े, ढंग से पढ़े, अपने लिए पढ़े दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा विराम चिन्ह के संबंध में आज का वीडियो यही समाप्त होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।